शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि फिल्म कला निर्देशक नितिन देसाई ने दिल्ली में भाजपा के कुछ नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन अपने स्टूडियो को बचाने के लिए उन्हें मदद नहीं मिली। जबकि बीजेपी सांसद सनी देओल के बंगले की प्रस्तावित नीलामी 24 घंटे के भीतर ही रोक दी गई। नितिन देसाई ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अपने स्टूडियो में आत्महत्या कर ली थी। राउत ने पत्रकारों से कहा, हमें सनी देओल से कोई शिकायत नहीं, वह एक अच्छे इंसान और अच्छे अभिनेता है। वह बैंक ऑफ बड़ौदा को अपना बकाया नहीं चुका सके, जिस कारण बैंक ने नीलामी के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही नीलामी रोक दी गई। सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए सनी देओल के स्वामित्व बंगले की नीलामी करने का सार्वजनिक नोटिस सोमवार को वापस ले लिया था और कहा था कि अभिनेता ने मुंबई में अपने बंगले से संबंधित बकाये का निपटान करने की पेशकश की है। राउत ने दावा किया कि नितिन देसाई ने रायगढ़ जिले में अपने सपनों के स्टूडियो को बचाने के वास्ते मदद मांगने के लिए दिल्ली में बीजेपी के कुछ नेताओं से मुलाकात की थी और ऋण का बकाया चुकाने के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। राज्यसभा सदस्य राउत ने दावा किया, वह मुंबई लौट आए और बाद में आत्महत्या कर ली, उन्हें कोई न्याय नहीं मिला।